हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति नाग। ये देखिए, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल डिवाइन लक्ष्मी माँ स्टैचू लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये तनिष्क शोरूम से है। एंड ये प्योर 22 कैरेट गोल्ड में बना हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है। ये आप देखिए, 22 कैरेट का गोल्ड रेट चल रहा है 4735 पर ग्राम चल रहा है हैदराबाद सिटी के तनिष्क शोरूम में। गॉडेस लक्ष्मी माँ का ये जो फिनिशिंग आप देखिए, काम देखिए, बारीकी से काम किया गया है। एंड इसका एक एक चीज़ बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दिया गया है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मैंने इस तरह का 22 कैरेट गोल्ड में बना हुआ, इतना खूबसूरती से बना हुआ स्टैचू नहीं देखा था। ये आप देखिए, और वो भी तनिष्क शोरूम का है। मैंने तनिष्क शोरूम में भी बहुत जगह विजिट की, पर इस तरह का कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया था। ये लेटेस्ट अभी उन लोग स्टार्ट किए हैं। उनका कहना है कि हम लोग इस तरह का आइडल और स्टैचू बनाना स्टार्ट किए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली है। ये देखिए, इसका ये प्रोडक्ट कोड है। एंड ये देखिए, इसका वेट है, आपका गोल्ड का वेट 18.532 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया है। एंड अंदर में इस तरह से हॉलो है, खाली है, तो 18 ग्राम में इस तरह का आपको काफ़ी अच्छा सा। एंड ये बहुत बड़ा भी था साइज में, मे बी इसका 4 इंच लॉन्ग है ये लेंथ में। एंड इस तरह का डिज़ाइन है आपका, मैंने आपको कोड भी प्रोवाइड किया है। फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा 1,08,000 के अराउंड, इसका प्राइस आपको पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये थंब के एग्जैक्ट साइज में है, तो आप इसे आराम से अपने घर पे विराजित कर सकते हो। थंब साइज के जो आइडल होते हैं उनको आप अपने घर पर स्टैचू को रख सकते हो। एंड इसमें देखिए, पिंक कलर का स्टोन भी लगा हुआ है, उनके माथे पे लगा हुआ है। एंड नीचे कमल के फूल पे बना हुआ है। एंड देखिए कितना खूबसूरत वहाँ पर घड़ा रखा हुआ है जिसमें कॉइन्स रहते हैं। एंड कमल का फूल बनाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पीस है। तो चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ खूब सारा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरह के कलेक्शंस को देख पाए, न्यू कलेक्शंस, न्यू अराइवल को। थैंक यू एवरीवन।